इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड देन वी स्टार्ट. हाय, मेरा नाम अनीता भट्ट है एंड मैं मुंबई में ही रहती हूँ एंड आई एम अ प्लेबैक सिंगर. कैसा रहा एक्सपीरियंस ये गाना पूरा गाने का? कहूँ मैं या ना कहूँ ना, जो सॉन्ग है ना एक्चुअली इज अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग. इतना खूबसूरत लिखा है, इतना खूबसूरत बनाया है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे गा के बहुत रिलैक्स और यू नो एकदम, मतलब मैं एकदम घुस गई हूँ गाने. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही बना हुआ है ये गाना. सो बहुत एक्चुअली दिल के करीब हो चुका है अभी से ही ये मेरा गाना. सो आई लव द सॉन्ग. ओके, कैसा एक्सपीरियंस था पानी जी के साथ में काम करने का एंड बाकी सारी टीम के साथ में काम करने का? पानी जी इज अ स्वीट हार्ट. मतलब वो ऐसे हैं ना कि पूरा एकदम गाने में, सिंगिंग में एक एक चीज़, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझाने में पूरा इन्वॉल्व रहते हैं. और ऐसे मैंने बहुत कम लोग देखे हैं. बट पानी जी इज़ अ, मतलब really a genuine person. मतलब बहुत बहुत ही अच्छा experience है मेरा उनके साथ काम करने का, because उन्होंने मुझे इस गाने के लिए choose किया. This is my luck और I'm so happy to be associated with Papa Plays. Okay, अगर गाने की अगर दो लाइनें अगर आपको अगर सुना दी थी जरूर. ये तो record कर रहे हैं, second क्या है lyrics, starting से गाऊँ. अल्फाजी बहना लब से मैं हूँ तेरी, चाहूँ मगर कहूँ ये सब से कि मैं हूँ तेरी. दिल में अकड़ बड़ी है जब से कि मैं हूँ तेरी. थोड़ी हमें थोड़ी नचड़ी, कैसे कह दूँ तुझ पे मर मिटी, कहूँ मैं या कहूँ ना. थैंक यू. अनीता, हर एक सिंगर का एक आइडल होता है. हाँ जी. Whom do you admire the most in the industry? लता जी सबकी फेवरेट है, मेरी भी है, मैं उनको ही सुनती आई हूँ बचपन से. बट आजकल के सिंगर्स में श्रेया घोषाल वन ऑफ माय फेवरेट एंड ऑब्वियसली अरिजीत सिंह. एंड मेरा एक बहुत बड़ा लक भी रहा है कि मैंने अरिजीत सिंह के साथ कुछ थोड़े से पार्ट भी गाए हुए हैं. सोनू की स्वीटी की, सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी आई थी जिसमें मेरे दो कुछ गाने हैं, उसमें मेरा वोकल्स हैं. तो आई एम लकी कि मैंने कुछ एटलीस्ट पार्ट और कुछ अरिजीत के साथ गाया, बिकॉज ही इज़ माई फेवरेट सिंगर. सो यही लोग हैं जिनको अभी खासकर मैं सुनती हूँ. एंड अनीता, हाउ लॉन्ग हैज बीन यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री? कितने साल से आप सिंगिंग बैकग्राउंड में हैं अभी? मुझे 6-7 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए. इससे पहले भी मेरे काफ़ी पंजाबी गाने और हिंदी गाने कुछ कुछ रिलीज़ हुए हैं. आई हैव बीन टू अ रियलिटी शो ऑल्सो. तो बस वो तब से चल ही रहा है एंड आई होप कि अब ये सिलसिला बंद ना हो. और फाइनली इसके बाद एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? इसके बाद के कुछ कुछ प्रोजेक्ट हैं जो राइट नाउ आई कैन नॉट डिस्क्लोज, बट कुछ कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने, जो कि आई होप ये पापा प्लेज मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा लकी चार्म बन के आया है इसके थ्रू. और ये गाना अगर रिलीज़ होगा तो आई विश कि काफ़ी लोग मुझे सुने एंड व्हाट आई एम, मेरी सिंगिंग क्या है, व्हाट ओरिजिनली अनीता भट्ट सिंग, उनको सुनाई दें एंड काफ़ी लोग मुझे बुलाएँ गाने के लिए. सो जस्ट फिंगर क्रॉस्ड. आपकी आवाज़ काफ़ी मधुर है, तो जैसे कि और कुछ गाना गा सके तो why not? Any song? या जो गाना ऑलरेडी सोनू की सिटी की उसमें था, वो गाने की जो मेन लाइन है वही मैं गाती हूँ जिसमें मैंने गाया. सजना दे रंग रंगाइया वे, शगना दिया शहनाइया वे, ढोल बजन गया यार नचण गया, लख लख दियो बधाइयां वे, सजना दे रंग संगाइयां वे, सजना दिया शहनाइयां वे, ढोल बजन गया यार नचण गया, लख लख दियो बधाइयां वे. ये लाइन थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपकी आवाज़ बहुत मधुर है. थैंक यू. थैंक यू.